इसराइल हमास युद्ध के बीच लेबनान का ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्ला बार बार हमास की ढाल बनकर इजरायली सेना पर हमले कर रहा है। एक तरफ हमास के लड़ाके इजरायली सेना के टैंकों, ड्रोन और सैनिकों को निशाना बना रहे हैं, तो उधर दूसरी तरफ हिजबुल्ला उत्तरी इसराइल में रह रहकर इजरायली सेना के ठिकानों और आर्मी कैंप्स पर मिसाइल अटैक कर रहा है। और इसी कड़ी में हिजबुल्ला ने उत्तरी इसराइल के जरायत बैरिक्स के पास इजरायली सैनिकों पर गोला बारूद दागा है। हिजबुल्ला का कहना है कि आईडीएफ के ये जवान जरायत बैरिक्स में घुसने जा रहे थे, उसी दौरान उन पर हमला किया गया। इसके अलावा हिजबुल्ला ने रैमोत नफ्ताली सेटलमेंट में दो इमारतों पर मिसाइल हमले किए हैं। हिजबुल्ला ने ये हमले एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से किए हैं। हिजबुल्ला का कहना है कि इन दोनों ही इमारतों में इजरायली सैनिकों ने पोजीशन ले रखी थी। हिजबुल्ला के मुताबिक उसका हमला टारगेट पर एकदम सटीक हुआ है। और जरायत सेटलमेंट के अलावा हिजबुल्ला ने शलोमी सेटलमेंट पर भी एक मिसाइल हमला किया है। हिजबुल्ला का कहना है कि इस हमले में आईडीएफ को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि शलोमी सेटलमेंट के बाद हिजबुल्ला ने तातुआ सेटलमेंट पर भी कुछ मिसाइल और गोला बारूद दागे हैं। इसके अलावा अविविम सेटलमेंट में भी हिजबुल्ला ने एक बिल्डिंग पर अटैक किया है जिसमें इजरायली सैनिक मौजूद थे, और अविविम के साथ अल मलिकिया सेटलमेंट पर भी हिजबुल्ला ने गोला बारूद बरसाया है। लेकिन इजरायली सेना को सबसे बड़ा झटका मेतुला सेटलमेंट में लगा है, जहां पर हिजबुल्ला ने उसकी इंटेलिजेंस फोर्स पर हमला किया है। हिजबुल्ला ने दावा किया कि इस हमले में आईडीएफ के कई सैनिक मारे गए हैं और कई घायल हुए हैं। आपको बता दें कि हिजबुल्ला के ये ज्यादातर हमले उत्तरी इसराइल पर बसे सेटलमेंट्स में हुए हैं, और इन हमलों की वजह से इसराइल ने यहां से अपनी नागरिक आबादी को खाली करा लिया है। और अब हिजबुल्ला के इन हमलों की वजह से करीब 40% सेटलर्स यहां पर वापस नहीं आना चाहते हैं। ये बयान किर्यत शमोना सेटलमेंट के मुखिया ने दिया है, और इसका असर अब उत्तरी इसराइल में होने वाले तलहाए समारोह पर भी पड़ रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है जब बीते 90 सालों में इस कार्यक्रम को रद्द किया जा रहा है।